यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पिलातुस के सामने यीशु। तब वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध न हो परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वो कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। हमारे जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को चित्र सहित सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।